पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग रेल हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा, रेलवे बोर्ड की सीईओ जया वर्मा ने जानकारी दी है। और जानकारी के मुताबिक भी करते हैं ये इक्विपमेंट, वो लोगों को भी अपना प्रोडक्शन रैंप अप करना है, सो वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम एंड परसुएड देम कि इसको बढ़ाइए आप, जितनी जल्दी हम इसको प्रोलिफरेट कर सके उतना ही अच्छा होगा। मैम कवच क्या पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल में कहीं पर भी नहीं है? प्लान्ड है ना, प्लान्ड है, क्योंकि ये अभी जो 3000 किलोमीटर जो इस साल कंप्लीट हो जाएगा उसमें बंगाल भी है, दिल्ली हावड़ा रूट है। मैम गलती क्या है कि आप समझाते हैं सिंपल टर्म्स में, गलती हुई क्या है? सिग्नल डिसरिगार्ड किया, ये क्या होगा? मतलब इसका ये है कि उनको गाड़ी रोकनी चाहिए थी, उनको आगे गाड़ी बिना रोके नहीं चलानी चाहिए थी, पर ऐसा लगता है कि गाड़ी उन्होंने नहीं रोकी और वो सिग्नल के बावजूद, सिग्नल था रुकने के लिए, उसके बावजूद गाड़ी आगे चली गई, पीछे वाली गाड़ी को रुकना था। ये पहले फर्स्ट इंडिकेशंस हैं एंड हमें ज्यादा डिटेल तो अब इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। इट्स कंप्लीटली ह्यूमन है, अभी लग रहा है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो ड्राइवर साहब थे वो भी, ही इज आल्सो पेरिश्ड इन दिस एक्सीडेंट, सो वी हैव नो ऑथेंटिक वे ऑफ नोइंग व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, सो व्हाटएवर वी कैन गैदर फ्रॉम द सिचुएशन दैट व्हिच हैज पास्ड सो फार, इट सीम्स दैट देयर वाज अ डिसरिगार्ड ऑफ सिग्नल, बट वी विल नो मोर आफ्टर डिटेल्ड। मैं बस क्योंकि आप लोगों ने जब वॉर रूम भी सेटअप किया हुआ था तो कैसे जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद में क्या कार्रवाई की या फिर वो थोड़ा जी कार्रवाई हर स्तर पे होती है, सबसे पहले तो फील्ड पे होती है जी, सबसे पहले तो फील्ड के स्तर पे होती है कि वहाँ पर जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो सारे एक्शन में आ जाएं और रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाए। एट द सेम टाइम जोनल हेडक्वार्टर पे भी होती है और रेलवे बोर्ड के स्तर पे भी होती है। तो रेलवे बोर्ड के स्तर पे जैसे ही हम लोगों को पहली इन्फॉर्मेशन मिलती है, मुझे इस घटना के 5 मिनट के अंदर इन्फॉर्मेशन आ गई थी, एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज टू कम टू आर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर विच वी कॉल आर वॉर रूम, एंड वहाँ पर जो सारे और काम जो करने हैं, जो कि सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण है कि आप रेस्क्यू करिए, हर एक जान को बचाइए, तो उस रेस्क्यू में हम लोग लग जाते हैं और हम यहाँ से भी रेस्क्यू एफर्ट कोऑर्डिनेट करते हैं और हम जो भी वहाँ पर एजेंसीज अवेलेबल हैं, चाहे वो एनडीआरएफ हो, जैसे एनडीआरएफ जो है वो सिलीगुड़ी में अवेलेबल है, तो एनडीआरएफ की टुकड़ी वहाँ से तुरंत चल पड़ी, आर्मी सिलीगुड़ी में अवेलेबल है वो भी तुरंत वहाँ के लिए चल पड़ी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर आ गया, सारी एम्बुलेंसेज नज़दीक के अस्पतालों से आ गई और लोकल लोग तो सबसे पहले आ जाते हैं, तो वो लोग भी आ गए, तो वो सारे एफर्ट हम लोग यहाँ से कोऑर्डिनेट करते हैं और उस पर ध्यान रखते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम लोगों को राहत पहुँचा सके। थैंक यू। हाँ एक और नहीं, हेल्प डेस्क तो बताएगी ना। सॉरी, तो रेलवे बोर्ड के सीईओ जया वर्मा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष और सीईओ जया वर्मा सिन्हा ने बताया है कि आज सुबह ये हादसा हुआ, कंचनजंगा एक्सप्रेस जो अगरतला से सियालदा जा रही थी उसे पीछे से मालगाड़ी ने सिग्नल को तोड़ते हुए टक्कर मार दी है। हालांकि इस पूरे हादसे के बाद जांच टीम का गठन कर दिया गया है और ये भी जानकारी दी गई है कि ट्रेन के पीछे का गार्ड का डिब्बा, 2 पार्सल वैन और जनरल डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको ये दिखाने के देखिए ये हादसा कैसे हुआ, दर्दनाक हादसा। यात्रियों और आप इस पूरे हादसे में आपको बताते चले, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, ये रेलवे बोर्ड के सीईओ की तरफ से जानकारी दी गई है। और ये देखिए दर्दनाक ट्रेन हादसा कैसे हुआ, जानकारी के मुताबिक एक कंचनजंगा एक्सप्रेस और पीछे से पायलट ने सिग्नल की अनदेखी की, ये रेलवे बोर्ड के सीईओ की तरफ से भी जानकारी दी गई है। और हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, मालगाड़ी के जो डिब्बे थे वो हर तरफ देखिए किस तरह से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर पहले नजर आए और कई बोगियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ये हादसा कैसे हुआ वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कंचनजंगा एक्सप्रेस जो कि खड़ी थी और पीछे से आपको बताते चले कि मालगाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। अब आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि ये हादसा कैसे हुआ है। दरअसल ये कंचनजंगा एक्सप्रेस जो ट्रेन खड़ी थी और पीछे से मालगाड़ी, जिसमें ये जानकारी रेलवे बोर्ड के सीईओ की तरफ से भी दी गई है कि सिग्नल की अनदेखी हुई, सिग्नल उन्हें दिया गया था, उन्हें रोकना था लेकिन वो गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और इसमें यह भी जानकारी कि इसमें जो मालगाड़ी के लोको पायलट है उनकी जान चली गई है। तो इस हादसे में देखिए कि यह हादसा कैसे हुआ, उनमें से
तीन जो है वो रेलवे एम्प्लॉय है, दो उसमें लोको पायलट और एक गुड्स गार्ड है। लोको पायलट ऑफ द गुड्स ट्रेन एंड गार्ड ऑफ द मेल एक्सप्रेस ट्रेन विच मेड द एक्सीडेंट। रेस्ट फाइव पीपल का जो डेथ हुआ है उसका कंफर्मेशन ऑफिशियली कौन है कौन ना है ये डिटेल्स हम लोगों के पास अभी तक नहीं है। जितना जल्द हो सके आज ही आ जाएगी। तो हादसे में 8 लोगों की मौत की पुष्टि। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सोमवार सुबह 9 बजे के करीब एक मालगाड़ी ट्रेन ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। और ये ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि कैसे ये हादसा हुआ है, दर्दनाक रेल हादसा, हादसा कितना भयंकर, वो तस्वीर लगातार एक्सक्लूसिवली भारत 24 ने आप तक पहुंचाया। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए कंचनजंगा एक्सप्रेस जो कि अगरतला से पश्चिम बंगाल के सियालदा जा रही थी, और ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सप्रेस ट्रेन सिलीगुड़ी के रंगापानी स्टेशन के पास रुई धासा में रेड सिग्नल की वजह से रुकी हुई थी और इसी दौरान पीछे से आ रही मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। मालगाड़ी के पायलट ने सिग्नल को अनदेखा किया है, ये जानकारी निकलकर सामने आई है, जिसके वजह से ये दुर्घटना हुई है। और लगातार देखिए जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ जय वर्मा सिन्हा ने भी इसे लेकर जानकारी दी है, उन्होंने बताया कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। और देखिए इन तस्वीरों के जरिए ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि किस तरह से हादसा हुआ है। कंचनजंगा एक्सप्रेस जो कि इंजन के ऊपर जिसकी बॉगी है वो हवा में लटक रही है, एक बॉगी जो कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं लाल घेरे के अंदर, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। रेलवे बोर्ड की तरफ से यह जानकारी कि एडीआरएम रेलवे के एडीआरएम जिला और राज्य प्रशासन एनडीआरएफ आर्मी बचाव कार्य लगभग तुरंत वहां पर पहुंचे, लगभग 50 लोग इसमें घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है, ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं, उनका इलाज अच्छी तरह से जारी है। ये पूरी जो जानकारी है वो निकलकर सामने आई है। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष सीईओ जय वर्मा ने यह पूरी जानकारी मीडिया से मुखातिब होते हुए शेयर किया है। हमने हेल्पलाइन हेल्प डेस्क स्थापित किए हैं जिससे यात्रियों के परिजनों उनके बारे में जानकारी ले सके, कोई दिक्कत ना हो। और ये ट्रेन अगरतला से सियालदा जा रही थी, इसलिए मार्ग के हर स्टेशन पर हेल्प डेस्क स्थापित कर दिया गया है। तो दर्दनाक ट्रेन हादसा, रेलवे ने 8 लोगों की मौत की पुष्टि की है, 50 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं और लगातार उन घायलों का इलाज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। तो देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी, पटरी से किस तरह से बोगियां उतर जाती है, उसके बाद जो स्थानीय लोग हैं वो पहुंच जाते हैं, रिलीफ जो ट्रेन है रिलीफ ट्रेन के वहां के लिए रवाना कर दिए जाते हैं। और इस पूरे हादसे पर लगातार रेल मंत्री भी नजर बनाए हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-2 लाख रुपये आर्थिक सहायता का ऐलान, जो इस हादसे में जान गंवाए उनके लिए, घायलों के लिए 50,000 मुआवजे का ऐलान कर दिया गया। तो देखिए पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर मुस्तैद नजर आई। ये तस्वीर देखिए किस तरह से ट्रेन की जो बॉगी है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है, जो मालगाड़ी और ट्रेन के इक्विपमेंट्स हैं वो पूरी तरह से बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, जो उनके पार्ट्स हैं वो देखिए किस तरह से निकल गए, बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। तो कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से पश्चिम बंगाल के सियालदा जा रही थी और एक्सप्रेस ट्रेन सिलीगुड़ी के रंगापानी स्टेशन के पास रुई धासा में रेड सिग्नल की वजह से रुकी हुई थी और इसी दौरान पीछे से आ रही मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। मालगाड़ी के पायलट ने सिग्नल को अनदेखा किया है और जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई है, ये जानकारी रेलवे बोर्ड की तरफ से भी दी गई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मालगाड़ी के इंजन उसके ऊपर जो बोगियां हैं वो चढ़ गई। और देखिए इस पूरे हादसे पर एक और अपडेट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक, मेरी संवेदनाएं शोका कुल परिवार के साथ है। तो योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में रेल दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है, मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान, घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। तो देखिए इस हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। तो इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख व्यक्त किया, साथ ही साथ रेल मंत्री ने दुख व्यक्त किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर
लिखा है कि मेरी संवेदनाएं शोका कुल परिवारों के साथ है। ममता बनर्जी ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। लगातार आप ये अपडेट देख रहे हैं। फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं और साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेल हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख व्यक्त किया है। रेल हादसा बहुत दुखद है और इस हादसे को लेकर उन्होंने लिखा है कि घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। तो देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने लिखा, पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में रेल हादसा हुआ, बहुत दुखद है। इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। तो देखिए, दार्जिलिंग में एक बड़ा रेल हादसा हो जाता है और रेल हादसे में 5 यात्रियों की मौत की खबर है। ये सीईओ रेलवे बोर्ड के जया वर्मा की तरफ से जानकारी दी गई है। सिग्नल तोड़ने से ये हादसा हुआ, ये सीईओ जया वर्मा ने कहा है।